भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज और पंकज मीणा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा मीडिया सेंटर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में अपराध बेलगाम है। राजस्थान जैसे मानी प्रदेश के माथे पर ये कलंक कांग्रेस पार्टी की सरकार में रोज लग रहे हैं। राजस्थान जिसकी एक पहचान है महिला सुरक्षा की, राजस्थान जिसकी एक पहचान थी नारी सम्मान की, उसको रोज कलंकित और उस पर रोज धब्बा लगाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही। पिछले 5 सालों में जो अराजकता फैली हुई थी उसके परिणाम प्रतिदिन राजस्थान की जनता को भुगतने पड़ते हैं। ना केवल नारी के ऊपर अत्याचार, बल्कि आपने देखा कि कोटा में किस तरह पीट पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, उसका चेहरा जला दिया गया। इसी तरह की हत्या पिछले 24 घंटे में सोजत में हुई और पीट पीट कर उसको मार दिया गया। इसी तरह की हत्या हनुमानगढ़ में हुई और व्यक्ति को वहां पर पीट पीट कर मार दिया गया। हाल तो और भी तब बुरे होते हैं जब बाड़मेर में बालोतरा के पास ओम प्रकाश जाट नाम के एक व्यक्ति को समुदाय विशेष के लोग पीट पीट कर मार देते हैं और पूरी की पूरी सरकार चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रहती है।